CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है संथाली जनजाति की एक दंत कथा पर आधारित सृजन की कहानी कराम बिनती। मेरा नाम रसिक बास्के, मैं संथाली भाषा में सृष्टि का इतिहास बता रहा हूँ। मैं सृजन का कुछ इतिहास बताने जा रहा हूँ जो संताली में कराम बिनती के नाम से जाना जाता है। हंते कोई हो मिटे आड़ आजमेना तारे ताना तारे ना तारे ताना तारे ताना तारे ना तारे आदो उनते खोय आड़ांग अंजोमिना आर बनार से खोय आदो किन मेन किदा अच्छा बना होर लांग हो लिखाय पासे आर हो जहां हिना को आदो बना होर मिलगते आर हो उनका कथा किन रोडेट गना तारे ताना तारे ना तारे रे तारे ना 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 तारे ताना तारे ना तारे रे तारे ना 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 हो आदो नुआ दो धरती सृजन रिया कथा इन लिया पे करना जालापुरी चिलिकाते सिरजेवना पतालपुरी चिलिकाते सिरजेवना सारंगपुरी चिलिकाते सिरजेवना धरतीपुरी चिलिकाते सिरजेवना मानवा चिलिकाबुन सिरजेवना आर बीर बुरु दारे नणी चिलिका सिरजेवना उना कथा गिन आंजोम पेकना आदो उन्नी बनाहोर मिलव कते उना न्यूत्र की उनकिन ताहेन खान किन मेन केदा के नोचो बारहोर मिना लांग आदो उनी मी उकोय गोगो रूपे ताहे करना उनी दो ठकरन गोगो को मिताय कान थाया आर उकोय बाबा रूपे ताहे करना उनी दो ठकुर जे उनकिन कोय पहले गिद्रे होसरना उनी दो सीन चांदो को न्यूम की दिया आर इन तयम दोसार ये होसरन खाय उनी दो नींद चांदो आदो सीन चांदो दो सीन ये मरसाला आर नींद चांदो दो निंदय मार्शाला आदो उनकाते उनी ठाकुर जी ठे दो मी मली दा आर मी गुली हासा तहेगन ते आदो
उना गी ओंके खाय उना हासा दो गलावना उना दो पतालपुरी ते चलावना आर उना मी मली दा उना दो जालापुरी बिनावना आदो उना जालापुरी रे उनी ठकरन गो दो दिनम गी उमु ए फेडो कान थाया कोले लौक ते आदो उना उकाटा गड़ी ते फेडो कान था उना दो तोले सुतम रिया गड़ी ताहे कना आदो उन्डे गी डबर कान ताहे खाय उना कोड़ाम रिया मैले ते उना अड़ी मोज मनवा रुपे बिनाव के किना आदो मनवा रूप बिनाव कते ठाकुर जी मिता दिया मा नुआ दो जीवी इमा वकीन में आदो उन रे सिन सादम उन्डे सारंगपुरी खोई फेट गते उन्हें हे गते उना दा नुई फेट लेना जालापुर रे उन रे लेवेट बड़ी के किना आदो तायम ते दोसार ले नेले किन खाई ठकरन गो मनवा रूप दे लेवेट बड़ी किदा आदो उन रे नुंका को सेरिंग लिदा जाला आमा ताला रे है कोले लोक चितान रे ठाकुर जी माने वहाँ बिना ले सिंसादों सली बेद बड़ी के लेकिन सुना ले रूप तकिन हाय दया गे अदी भावना है ना भावना कते आर हो इटा गारते उन्हें उनकी ने जूत रुवड़ के किन आर ठाकुर जी मिता दिया नुकिन दो जीवी इमा किन में आदो जीवी ओंगा किन खाए उनकिन दो मनवा रूप खोय दो वन चेणे रूप किन होइना आदो उनकिन दो कुछ नितुम के किन हास आर हसील आदो जालापुरी ताहे कना गुटा की दा आर दा उकार किन अबोआ आदो उनकिन किन उनकिन राय दा रोड दा किन तारे ताना तारे ना तारे रे तारे ना 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 तारे ताना ना तारे ना तारे रे तारे ना 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 हो कहे ठाकुर जी जन्म दिले कहे ठाकुर जी रूप दिल नली रे दुड़ो ठाई दो बनो तलिया उन रे आदो ठाकुर जी जालापुरी ते भूमपेड़ महादेवे कुल की दिया आर उन्हें दा तला रे पुटुप तुरना आर उन्हें उनकिन हास हसील चेने किन आप इना आर उन्हें की जोम किन न्यू किन इन कते आदो उनकिन किन ताहेना आदो उना दा तला रे सियालम जाना मिना सियालम चितान रे काराम दारी ना काराम उटे रे सिरम जाना मिना सिरम दंधी रे उनकिन चेने किन तुका किदा आर तुका खोय हास हसील चेणे किन बिली किदा आर चेणे बिली खोज मानवा किन सिरजौना उनकिन दुको नितुम के किन पिलचु हड़ाम आर पिलचु बूढ़ी अदो नुंका को मेना जुला जुला ताला रे मारा जुला ताला कारा बूट रे चेणे हो पो जुला जुला तालार है मरा जुला तालार दाल चेतान रे काराम बूट रे सिरम धंधी रे चेणे हो पो नुकिन गी चोंग हो हंस हंसिल चेणे अहद माने वारे निंगा आपा नुकिन गी चोंग हो हंस हंसिल चेणे अहद माने वारे निंगा आपा अदो दासाय रड़ते आरो नुंका को सिरिने
हाय हाय जालापुरे रे हाय हाय दाल जाना मैं हाय हाय जालापुरे रे हाय हाय दाल जाना मैं हाय हाय दाल चेतन रे हाय हाय काराम जाना मैं हाय हाय काराम बूट रे हाय हाय सिरम जाना मैं हाय हाय सिरम दांदी रे हास हासिल चेड़े दो के तुक वाकदा तारे तारे नाना नाना नारे तारे तारे नाना नाना नारे तारे तारे नाना नाना नारे हाय हाय दूसल आय बहन हाय हाय बापोट कुरती हाय हाय दूसल आय बहन हाय हाय बापोट कुरती हाय हाय जाला पूरी रे हाय हाय दाल जाना मैं हाय हाय दाल चेतन रे हाय हाय काराम दारे हाय हाय काराम बूट रे हाय हाय सिरम जाना मैं हाय हाय सिरम दंधी रे हास हासिल चेड़े दो के तुक वाकदा अद उनकिन किन तुक के खाए उनकिन खोए उन्हें मानवा किन जन्मना और मानवा जन्म करते उनकिन दो ठाकुर जी लय किना अद लय करते ऐनी गई बैनी गई बारे कुल के किना और उनकिन आत्वा न्यूतगी उनकिन गिद्र तुकिन हरा बुरुना अद उन रे ठकरन गोगोय फेडो कान था उनी ओका उप ताहे कना उना दा रे फतो ते उना किन बता किदा उना दो सारांग पुरी बनावना अदो नितो तो इन लया पिया जाला पुरी बनावना इन तेम दो सारांग पुरी बनावना आर पिलचु हड़ाम पिलचु बुढ़ी दो हाँस सिल चेणे खोई किन सिरजेवना जाना मिना किन अदो उन रे मारांग बुरु जाहेर एरा गोसाई एरा मणे को तुरई को उनको दो को हेजना आर हाँस सिल चेणे खोई जाना मानवा पिलचु हड़ाम पिलचु बुढ़ी दो सारांगपुरी तकु इदिके किना आदो सारांगपुर रे ताहे कते उन्दे दो आदान भगवान को दोह के किना उन्दे किन ताहे ना जोम न्योते किन हरायन खाए तो वे उनको को हुदिस किदा बोले धरती पूरी चिकाबुन बनावा आदो उनाते धरती पूरी बनाव लगी तो वे को हुदिस किदा आदो मारांगपुर जाहेर रा गुसाई रा मणे को तुरोई को उनको साव सावते उनको दो कुकड़ आर ढोईसे रे गाल मराव को दोह किदा आर दोह कते उन्दे नुको मोने होड़ को खोज के कुआ धीरी काट कोम रैमत लेंडम कच्छिम कुंवरी रघु बुआर आर सोले इच आदो उन्दे उन्नी मिताई कान थाया धरती चिकाते रकाबुआ पाताल पुरी रे धरती ओत दो ताहे कना आदो उन रे उन्हें को कुल के दिया रघु बुआर उन्हें को मिता दिया दो चला में आर पतालपुर रे हासा मिना ओत मिना उन्हें रखा बगुई में जेमन धरती बिना लेन खाए मानवा उन्हें बुन दोह दाड़े को आर तिहेन उना जरूर करना अद उन रे उन्हें को मिता दिया ठाकुर जी चलाओ ना चु कते न्याम कते चलाओ न खाए पतालपुर ते उन्हें हासाए गेर किदा मुचापरे आरे रखा बिना मेनखान दा नुन हासा दो गलाव चाबायना दो गलाव चाबायन खान अद लयदा ता 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 हारे तारे नाना नाना नारे ता 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 हारे तारे नाना नाना नाओ तो से लयाय बहन बा
पोठा कुरती दोसे लहाय बहन बापोठा कुरती नहीं होते ते दो बांगेरा कावले इंदौन में लेदा इन गिरा काबा इंदौन में लेदा इन गिरा काबा इन होते ते दो बांगेरा कावले अदो बायरा काब दारे दा इन ते धीरी काट कम को कोल कर दिया उन्हीं हो चलाओ ना या डाटोते डाटो के दा मेन खान होर रिगे सना मुना दो गलाव न्यूरिना इन तायम कुकुल को दिया सोले इच उन्हीं हो उनका के बाहर रखा दाढ़िया दा इन तायम दो रहमत लेंडम को मिता दिया दो रकाब में तो वे उन्हें दो पताल पूरी ते चलाओ ना उन्हें मुचाए दो की दा अर्चान बोल दो नुआ दा चितान रे अदो ठीक उन्हें खो जोम दा अर जोम कते लता चितान ते इदा सरिया गे उन्हा हासा रिया रूप चितान रे को नेल के दा अदो ओंडे को हदीस के दा चिकाते नुंडे बंदो है अदो कछिम कुंवरी मरांग बुरु को कोल कर दे अगुई लगी अदो उन्हें के नुआए मिताए करना तारे ता नाना त्रना तारे ता हो तारे ता नाना त्रना नाना हो दिलांग सारो हो सारो नेल गो बुरु दो दिलांग सारो हो सारो नेल गो दुरंग दो नुंडुं तलांग हो सारो सोनुं सिंदुर दो बाहर तलांग हो सारो नैनुं काजार दो अदो मिताय कना मा सजा में सफड़ा में सुनुम सिंदुर उड़ुक में आर दिला उन्डे कुकड़ आर ढोइसरे उन्डे जोग को लगाओ कदा उन्डे बुन नेल गो को धरती को सिरजेव कना अदय मेन दा उन्नी कच्चिम कुंवरी तारे ता नाना त्रना तारे ताओ तारे ता नाना त्रना नाना बालांग चलाओ सारो नेल गो बुरु दो बालांग चलाओ सारो नेल कांदी कागे चो नेल गो बुरु दो बाडाया कांदी कागे चो नेल गो दुरंग दो अदाय मिताय कना इंदोन बाडाय गे ओंडा बलंग चला दन बांग दिला चला गे होया अदो उनका ते दिख दिया मुलव दिख दिया अर दा तला रे ओंडे मच्छी रे को मच्छी को बिला किन अर किन दुड़बिना दो जाहिर एरा उन्नी जंगा अरुप के दिया आर जो तो जंगा अरुप दिया आर सिकड़ी दे दिया बारमन सिकड़ी ते उन्नी दुको सिकड़ी के दिया आर उन्नी दिया रे रहमत लेंडम हासा पताल पुरी को रकाब के दा आर बिनावना नो धरती आर मरांग मुरु दो दाम कोम डंग रहते उन्ने आणगोम के दा आर इन गते धरती को रकाब के दा अदो पताल पुरी सरंग पुरी धरती पुरी उना बनावना अदो ओंडे दो नुंका को मेन दा उमिन मारांगे धरती हे चर को ना पिरतेन ए हो कोई सिर जवली दानु धरती उमिन मारांगे धरती हे चर को ना पिरतेन ए ओ कोई सिर जवली दानु धरती मोने को तो रोई को जाहे रे एरा मारांगुर हो सिकना तेरा मत लेंडो मोने को तो रोई को जाहे रे एरा मारांगुर हो सिकना तेरा मत
ᱞᱟᱹᱭᱟᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱟᱞᱟᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ, ᱯᱟᱛᱟᱞᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ, ᱥᱟᱨᱟᱝᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱪᱮᱬᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟᱣᱟᱜ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱭᱟᱞᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱨᱼᱵᱩᱨᱩ, ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱹᱲᱤ, ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮ ᱢᱤᱛᱨᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱩᱥ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱦᱮ ᱡᱚᱵ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟ ᱢᱮ ᱟᱸᱫᱷᱮᱨᱟ ᱦᱤ ᱟᱸᱫᱷᱮᱨᱟ ᱛᱷᱟ ᱱᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱛᱷᱤ ᱱᱟ ᱦᱤ ᱢᱟᱱᱚᱵ ᱠᱮᱵᱚᱞ ᱟᱸᱫᱷᱠᱟᱨ ᱦᱤ ᱟᱸᱫᱷᱠᱟᱨ ᱛᱷᱟ ᱠᱩᱪᱷ ᱵᱷᱤ ᱫᱤᱠᱷᱟᱭ ᱱᱟᱦᱤ ᱯᱟᱲᱛᱟ ᱛᱷᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱩᱥ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱤ ᱠᱟᱦᱟᱱᱤ ᱦᱮ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱡᱚ ᱦᱟᱢᱟᱨᱮ ᱥᱨᱤᱡᱚᱱ ᱠᱮ ᱵᱟᱨᱮ ᱢᱮ ᱵᱟᱛᱟ ᱨᱟᱦᱤ ᱦᱮ ᱥᱮᱦᱥᱟ ᱟᱸᱫᱷᱠᱟᱨ ᱥᱮ ᱟᱣᱟᱡᱽ ᱟᱱᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚᱱ ᱦᱮ ᱠᱚᱭ ᱦᱮ ᱛᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱟᱣᱟᱡᱽ ᱫᱚ ᱟᱣᱟᱡᱽ ᱫᱚ ᱢለ ᱛᱚ ᱟᱠᱮᱞᱟ ᱦᱩᱸ ᱛᱟᱵᱷᱤ ᱟᱸᱫᱷᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱫᱩᱥᱨᱤ ᱳᱨ ᱥᱮ ᱥᱩᱱᱟᱭ ᱯᱟᱲᱟ ᱠᱚᱭ ᱦለ ᱛᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱟᱣᱟᱡᱽ ᱫᱚ ᱟᱣᱟᱡᱽ ᱫᱚ ᱢለ ᱛᱚ ᱟᱠᱮᱞᱤ ᱦᱩᱸ ᱤᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱫᱳᱱᱳ ᱢᱤᱞᱠᱚᱨ ᱩᱥᱤ ᱛᱟᱨᱦ ᱠᱤ ᱦᱤ ᱟᱣᱟᱡᱽ ᱠᱟᱨᱱᱮ ᱞᱟᱜᱮ ਕੋਈ ਹੈ ਤੋ ਬੋਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੋ ਕੋਈ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਓਰ ਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਨੇ ਲਗੀ ਹਾਂ ਹੈ ਹਾਂ ਹੈ ਅਰੇ ਹਮ ਲੋਕ ਤੋ ਸ੍ਰਿਜਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਆਪਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਕਾ ਸ੍ਰਿਜਨ ਹੁਆ ਉਨਕੇ ਨਾਮ ਥੇ ਸਾਰੂ ਬਾਰੂ ਜੀਵਾ ਔਰ ਜੌਂਤਰ ਸਭੀ ਲੋਕ ਅੰਧਕਾਰ ਮੇ ਹੀ ਥੇ कुछ लोग और सृजन हुए अब तक जो लोग सृजन हो गए वे थे ठाकुर जीव ठाकुराइन गोगो सारू बारू जीवा और जौंतर अंधकार में ही सब लोग रह रहे थे आवाज़ तो सभी लोगों को आ रही थी लेकिन दिखाई किसी को कुछ भी नहीं दे रहा था सभी लोग प्रकाश का इंतज़ार कर रहे थे प्रकाश होगा कि नहीं अंधकार कैसे दूर होगा तब ठकुराइन गोगो से सिंह चांदो का सृजन हुआ सिंह चांदो के आने के बाद प्रकाश ही प्रकाश फैल गया और अंधकार कहीं लुप्त हो गया अब सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश था इसके बाद सभी लोग अंधकार का इंतजार करने लगे अंधकार अब होगा कब होगा ठाकुराइन गोगो से इंदा चांदो का सृजन हुआ तब अंधकार फिर से हो गया अब अंधकार होने के बाद प्रकाश होने लगा तथा प्रकाश होने के बाद अंधकार होने लगा और ये सिलसिला लगातार चलने लगा और तो और सभी लोगों का आपस में परिचय भी हो गया ठाकुर जीव ठाकुराइन गोगो सारू बारू जीवा और जौंतर तथा सिंह चांदो एवं यिंदा चांदो सिंह चांदो से प्रकाश का सृजन हुआ एवं यिंदा चांदो से अंधकार का सृजन हुआ इसीलिए सिंह माने दिन और यिंदा माने रात प्रकाश आने से सबने देखा कि ठाकुर जीव के हाथ में एक मिट्टी का प्याला यानी माली भी है तभी ठाकुर जीव ने मिट्टी पर फूंक दिया माने ओंकी किया मिट्टी पानी में गल गई तथा उस पानी से समस्त सृष्टि जलमग्न हो गई उसका नाम जालापुरी पड़ा अब जालापुरी बन गई थी जालापुरी में ठकुराइन गोगो दिन में स्नान करने आती थी जिस जगह वो स्नान करती थी उस जगह का नाम कोले लावका पड़ा कोले लावका का मतलब है नाव के आकार का एक दिन नहाते हुए ठकुराइन गोगो के शरीर से काफी मैल निकला उस मैल से मानव आकृति बनाकर कोले लावका में रख दिया उसके बाद ठकुराइन गोगो जहां से आई थी वहीं चली गई
इसके बाद जालापुरी में सिंह साधों एक प्रकार का घोड़ा पानी पीने के लिए कोले लावका में आया। उसने वहां पानी पिया और उसके बाद मानव स्वरूप आकृति को पैर से कुचल दिया। दूसरे दिन जब ठाकुराइन गोगो स्नान करने आई तो देखा कि सिंह साधोम ने मानव रूप कुचल दिया है। वो बहुत दुखी हुई। बची खुची मिट्टी से उन्होंने मानव स्वरूप को बनाने का फिर से प्रयत्न किया, लेकिन स्वरूप उतना अच्छा नहीं बन सका। ठाकुराइन गोगो ठाकुर जीव से बोली, इसको जीवन दान दे दो, यानी जिंदा कर दो। ठाकुर जीव के आशीर्वाद से उसको जीवन दान तो मिल गया, लेकिन चिड़िया के जोड़े के रूप में, क्योंकि ठाकुराइन ने जल्दबाजी की थी। चिड़िया के जोड़े का नाम का सृजन हुआ, हंस हासिल। इसके बाद हंस हासिल दोनों ठाकुर जीव से प्रार्थना करने लगे। ठाकुर जीव, जन्म तो दिया लेकिन रहने के लिए घर और खाने के लिए कुछ नहीं दिया, क्यों आपने हमें पैदा किया, क्यों आपने हमारा सृजन किया? तब इसके बाद ठाकुर जीव ने पातालपुरी का सृजन किया। वहां एक पेड़ भूम पेड़ महादेव के नाम का सृजन किया, जो पानी के ऊपर खड़ा हो गया। उसी के ऊपर हंस हासिल रहने लगे। पानी पीते समय सिंह साधोम के मुंह से झाग निकला और पानी में ठाकुराइन गोगो के कुछ बाल गिरे हुए थे। झाग और बालों के मिश्रण से सारंगपुरी का सृजन हुआ। अब ठाकुर जीव और ठाकुराइन गोगो सारंगपुरी चले गए। जालापुरी में ठाकुराइन गोगो का बाल एवं झाग का कुछ अंश रह गया था। उससे काई यानी डोल या सियालोम का सृजन हुआ। काई में से एक पौधे का सृजन हुआ जिसका नाम पड़ा कारामदारे। कारामदारे के नीचे घास यानी सिरोम पैदा हुई। हंस हासिल ने सिरोम में घोंसला बनाया। इसके बाद अंडे दिए। अंडे से दो जीव पैदा हुए, लेकिन उनका स्वरूप कोले लावका में बनाए हुए मानव स्वरूप जैसा था। मानव स्वरूप जैसा जिनको सिंह साधोम ने बर्बाद कर दिया था। हंस हासिल ने देखा कि उनके अंडे से जो सृजन हुआ है वो हमारे स्वरूप से तो नहीं मिलता। वो चिंतित हो गए और उड़कर कहीं चले गए। इसके बाद ठाकुर जीव ने मारांग बुरु देवमून को सृजन कर जालापुरी का समाचार जानने के लिए वहां भेज दिया। मारांग बुरु जालापुरी पहुंचे, वहां की स्थितियों का अवलोकन किया। उन्होंने देखा जालापुरी में डोल यानी काई का जन्म हुआ है, उसके ऊपर कारामदारे का सृजन हुआ है, कारामदारे के नीचे सिरोम यानी घास का सृजन हुआ है, वहां हंस हासिल ने घोंसला बनाया, उसमें अंडे दिए जिससे दो जीव पैदा हुए। क्योंकि उन जीवों का स्वरूप हंस हासिल जैसा नहीं था, वे उड़कर कहीं चले गए। अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। इसके बाद ठाकुर जीव ने आईनी गाय बाईनी गाय एक प्रकार की दुधारू गाय का सृजन किया। आईनी गाय बाईनी गाय सबको दूध पिलाने लगी। तब मानव रूप बड़ा होने लगा। उनकी देखभाल के लिए मारांग बुरु माने देव मून को ये जिम्मेदारी दी गई। बड़ा होने के बाद उनको देखने के लिए सारंगपुरी से ठाकुर जीव, ठाकुराइन गोगो, जाहिर एरा, गोसाई एरा, मोड़े को, तुरई को एवं मारांग बुरु पहुंच गए। दोनों मानव स्वरूपों को देखकर सबको लगा कि जीवों के रूप ठाकुर जीव और ठाकुराइन गोगो जैसे ही थे। सभी लोगों ने उनके जन्म की खुशी मनाई। उसके बाद दोनों मानव स्वरूपों का नामकरण किया गया, पिलचू हाड़म और पिलचू बुढ़ई। लोग दोनों को सारंगपुरी ले गए तथा आदान बागवान नामक जगह में ठहरा दिया। वे दोनों सारंगपुरी में पलने और बढ़ने लगे। उनके रहने के लिए धरती की आवश्यकता हुई, क्योंकि मानव जन्म में जिन पूज्य जनों ने योगदान दिया था,
यानी कि भूम पेड़ महादेव, काराम दारे, सियालोम, सिरोम एवं आईनी गाय बाईनी गाय को ठाकुर जीव से ये वरदान प्राप्त हुआ था कि मानव धरती पर स्थापित होकर उनकी पूजा एवं सम्मान करेंगे। धरतीपुरी के सृजन के लिए मारांगबुरु को जालापुरी भेजा गया। मारांगबुरु ने जालापुरी में रहने वाले 5 सदस्यों के दल से संपर्क किया। उनके नाम थे राधो बोवाड, धीरी कांटकोम, रायमात लेंडोम, सीले इचाक, कच्छिम कुवारी। ये लोग क्योंकि जालापुरी के निवासी थे, इनको मिट्टी की गहराई का पूरी तरह से अंदाज था। फिर मारांगबुरु ने जालापुरी में जले जीवों का एक सम्मेलन बुलाया। उसमें उपर्युक्त अंकित नाम प्रमुख थे और साथ ही ये नाम भी थे, जाहिर एरा, गुसई एरा, मोड़े को, तुरई को। इन सभी को आमंत्रित किया गया। सबसे पहले राधव बोवाड़ को मौका दिया गया क्योंकि वो ताकतवर था और जालापुरी को अच्छी तरह से जानता था। मिट्टी की खोज में वो जालापुरी से पातालपुर पहुंचा। पातालपुरी में उसे कोई मिट्टी नहीं मिली। फिर पातालपुरी से तालपुरी पहुंचा, वहां भी कोई मिट्टी नहीं मिली। फिर तालपुरी से 7 जोजनपुरी पहुंचा, वहां मिट्टी मौजूद थी। राधो बोवाड़ ने खूब मिट्टी खाई, कुछ मुंह में भरी, कुछ पीठ पर डाली और चल पड़ा। लेकिन रास्ते में पानी इतना था कि आते आते सब मिट्टी गलकर नीचे चली गई। फिर बारी बारी सबको पातालपुरी जाने का मौका दिया गया। अंत में कच्छिम कुवारी एवं रायमात लेंडोम के प्रयास से मिट्टी 7 जोजनपुरी से लाई गई एवं धरतीपुरी का सृजन किया गया। ठाकुर जीव ने सबको धन्यवाद दिया। धरतीपुरी बन चुकी है, सबका प्रयास सफल रहा, सभी खुशी मनाए। इसके बाद उन्होंने गीत गाए। उनके मूल शब्द इस तरह हैं, दाग दो दाग गे काटिच या लाख दाग, दाग ते बेनाव लेना जालापुरी, फोतो दो फोतो गे काटिच चुलूंग फोटो, फोतो ते बेनाव लेना सारांगपुरी, हासा दो हासा गे मित गुली हासा, हासा ते बेनाव लेना धरतीपुरी। धरती के जन्म के बाद प्रारंभ से मिट्टी उबड़ खाबड़ थी। मारांगबुरु ने धरतीपुरी के बनने की खबर ठाकुर जीव को दे दी। उन्होंने एक डामकोम डांगरा यानी एक तरह का बैल का सृजन किया और उसको धरती पर भेजा। मारांगबुरु ने डामकोम डांगरा के सहयोग से धरतीपुरी को समतल बनाया। धरतीपुरी अब धरती बन गई। पौधों का सृजन हुआ। मानव के रहने लायक जगह के चयन हेतु मारांगबुरु ने तीर चलाया। जिस पेड़ में पहला तीर लगा वो सारजोम यानी साल कहलाया। जिस पेड़ में दूसरा तीर लगा वो मातकोम यानी महुआ कहलाया। फिर मानव पिलचू हाड़ाम एवं पिलचू बुढ़ई को सारांगपुरी से धरतीपुरी लाया गया। सब लोगों ने बहुत खुशियां मनाई। उसके बाद गीत में ही कुछ प्रश्न उत्तर हैं और मूल में इस तरह है, उमीन मारांग धरती चार कोना पीर थीनी, ओकाय सृजन लेदा लोमा धरती। ये प्रश्न है जिसका मतलब है, इतनी बड़ी धरती का सृजन किसने किया? इसका उत्तर है मूल में, मोड़े को तुरई को जाहिर एरा मारांगबुरी सिकनात रायमात लेंडोम। हिंदी में इसका रूपांतर है, रायमात लेंडोम ने मोड़े को तुरई को एवं जाहिर एरा की उपस्थिति में मारांगबुरु की सहायता से धरती का निर्माण किया। तो ये सृजन की कहानी यूं समाप्त होती है। कराम बिनती। अभी आप सुन रहे थे संथाली जनजाति में प्रचलित ये दंत कथा, जिसका अर्थ है सृजन की कहानी। संथाली से मूल हिंदी अनुवाद और गायन स्वर रसिक बास्की, वाचन स्वर प्रोफेसर अन्विता अब्बी,
ध्वनि अंकन शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, निर्माण एवं ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।